नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसका नाम है हाउ टू वैल्यू ए कंपनी। मीन्स एक कंपनी को हम लोग जब खरीदारी कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन कैसे निकालें, सिंपल स्टेप, तो उसको हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, पहले तो आपको पहले डिफरेंस आना चाहिए कि प्राइस क्या है और वैल्यू क्या है। प्राइस मीन्स हम लोग कोई भी चीज़ को जब खरीदते हैं उसके बदले हम लोग कितना रुपये वो चीज़ के बदले देते हैं, उसको बोलते हैं प्राइस। और वैल्यू ये होता है दोस्तों कि एक्चुअली वो चीज़ों का दाम कितना है, जो अंदरूनी उस चीज़ों का दाम जितना है। मीन्स जैसे मैं मार्केट गया और कोई किताब खरीदा, ठीक है दोस्तों, और किताब को मैं 100 रुपये में खरीदा, बट उसका अंदरूनी जो वैल्यू है, जो वो फ्लक्चुएशन होता रहता है मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे, वो 120 रुपये होना चाहिए वो बुक का अंदरूनी वैल्यू, जबकि मैं दे रहा हूँ 100 रुपये में उसको खरीद रहा हूँ। मीन्स मैं सस्ता खरीद रहा हूँ कंपेयर टू दिस वैल्यू, कंपेयर टू उसका मार्केट में जितना रहना चाहिए उसके हिसाब से मैं कम दे रहा हूँ। या फिर कोई भी चीज़ हम लोग मार्केट में खरीद रहे हैं 100 रुपये का, और उसका दाम एक्चुअली अंदरूनी जो दाम में होना चाहिए वो 80 रुपया होना चाहिए, और हम लोग 100 रुपये में उसको खरीद रहे हैं। मीन्स हम लोग महंगा खरीद रहे हैं, उसका प्राइस हो गया 100 रुपये और वैल्यू हो गया 80 रुपया। तो हमको एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए दोस्तों कि प्राइस जो मैं दे रहा हूँ, वैल्यू जो एक्चुअली चीज़ों का दाम होना चाहिए मार्केट में। क्या रहता है कि कभी कभार टेम्परेरी कोई प्रॉब्लम या कोई भी कुछ छोटा बहुत इशू की वजह से वो फ्लक्चुएशन होता रहता है, प्राइस के ऊपर प्राइस के नीचे ऐसा होते रहता है, आप को पता भी चल जाएगा। बट उसका जो अंदरूनी वैल्यू है सबसे बड़ी, उसको कैसे निकालना है हमको, हमको तो मालूम है मार्केट में हर किसी को पता है कि ये इतना प्राइस में कोई भी पैकेट बिस्किट का पैकेट 20 रुपये में मिल रहा है। अब मेरे को भी मालूम है 20 रुपये, आपको भी मालूम है, बट उसी आदमी को वैल्यू पता चलेगा कि एक्चुअली उसका दाम 25 रुपया है बट वो 20 रुपये में मिल रहा है। तो अगर मैं उसको खरीद लेता हूँ तो फ्यूचर में, मीन्स वो टाइम लग सकता है 10 दिन, 20 दिन, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, जब वो उसका एक्चुअली जो वैल्यू है प्राइस उसी को ही फॉलो करता है, तो लॉन्गर टर्म में वो 25 रुपये के आसपास जब आ जाएगा, तो 20 रुपये में मैं खरीदा हूँ और मैं 25 रुपये में उसको बेच दूंगा, तो मेरे को 25% का प्रॉफिट हो गया। तो ये सिंपल स्टेप है कि प्राइस क्या है, वैल्यू क्या है। प्राइस जो हम लोग पे कर रहे हैं, वैल्यू जो एक्चुअली चीज़ों का एक्चुअली जो दाम होना चाहिए, जो हर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, उसको बोलते हैं वैल्यू। और जो हर किसी को दिखाई दे रहा है मार्केट में कोई भी चीज़ का, जो कोई भी मान लीजिए बाल्टी का दाम है मार्केट में 300 रुपया, जबकि उसका दाम होना चाहिए 400 रुपया, पर हर किसी को 300 रुपया दिखाई दे रहा है, तो उसका प्राइस हो गया, लेकिन उसका वैल्यू हो गया 400 रुपया। तो हमको हमेशा कोई भी कंपनी खरीदने के लिए फोकस करना चाहिए कि हम लोग जो भी पैसा दे रहे हैं, प्राइस दे रहे हैं, वो वैल्यू से कम ही होना चाहिए। तो एक सिंपल स्टेप बताता हूँ दोस्तों, जैसे कोई भी कंपनी हो गया दोस्तों, मान लीजिए उसका जो मार्केट प्राइस है 1000 करोड़ रुपया, मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपया है। तो मार्केट कैप क्या है दोस्तों, कि उसका शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर। मींस अगर उसका शेयर प्राइस है 10 रुपया और एक शेयर का दाम है और नंबर ऑफ शेयर हो गया 100 करोड़ और एक शेयर प्राइस का दाम है 10 रुपया, तो 100 करोड़ × 10 = 1000 करोड़। मीन्स अगर आप पूरा का पूरा कंपनी को खरीदेंगे तो आपको उसके बदले में 1000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। और सिंपल चीज़ है देखना है दोस्तों कि उसका मार्केट कैप जो है, तो टोटल आप कंपनी को खरीदोगे तो आपको 1000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, लेकिन आपको निकालना है कि उसका एक्चुअली प्रॉफिट क्या है। मान लीजिए सिंपल सा दोस्तों, आप मान लीजिए आप ओनर की तरफ, आपको हमेशा जब भी कंपनी खरीद रहे हैं, आज ही ओनर आपको
बिहेव करना है। मीन्स आप ये नहीं देखना है कि मैं एक शेयर खरीद रहा हूँ, दो शेयर, पांच शेयर, आपको ये देखना है कि मैं पूरा का पूरा कंपनी खरीद रहा हूँ। तो मान लीजिए आप पूरा कंपनी खरीद लिए और आप कितना एक्सपेक्ट करोगे दोस्तों, 10%, 15%, 20% साल का कोई भी बिजनेस आप करते हो तो आपको कितना मिलता है, 15%, 20%, 25% मिल जाए तो बहुत मिलता है। तो हमेशा आपको ऐसे ही ट्रीट करना है। अगर कोई कंपनी को आप 1000 करोड़, मान लीजिए उसका मार्केट कैप है, आप 1000 करोड़ रुपये में उसको खरीदोगे और देख रहे हो उसका प्रॉफिट जो है वो साल का 200 करोड़ है। मीन्स अगर आप पूरा का पूरा कंपनी को खरीद लोगे और साल का वो 200 करोड़ रुपया प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको पाँच साल में आपका पूरा का जो कैपिटल आप इन्वेस्ट किए थे वो कंपनी को खरीदने के लिए वो वापस आपके जेब में आ जाएगा आज ए प्रॉफिट। उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आप वो कंपनी के ओनर भी है और उसके बाद जितना वो प्रॉफिट कमाएगा कंपनी और सब कुछ आपका ही है। तो ऐसे देखना है दोस्तों कि कोई भी कंपनी जैसे मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपया है तो उसका जो एनुअली प्रॉफिट है वो 1:10 मीन्स 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। तो 100 करोड़ से अगर ज़्यादा है उसका और उसका 1:10 रेशियो है मीन्स मार्केट कैप टू उसका एनुअली प्रॉफिट 1:10 है मीन्स 1000 करोड़ रुपया उसका मार्केट कैप है और आपको वो कंपनी 100 करोड़ से ज़्यादा कमा रहा है साल का तो आप प्रॉफिटेबल हो दोस्तों। तो आप अच्छा सौदा खरीद रहे हो और आपको आज का प्राइस देख के ये कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको फ्यूचर प्राइस देख के कैलकुलेशन करना है कि फ्यूचर में 2-3 साल में ये कितना प्रॉफिट कमाएगा, 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़। अगर वो 100 करोड़ से ज़्यादा कमाता है नेक्स्ट 3-4 ईयर हर साल में एवरेज 100 करोड़ से ज़्यादा कमाता है मीन्स आप एक अंडरवैल्यूड कंपनी लिए हो। और जैसे ही मार्केट का करेक्शन होगा, जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में चलेगा और जैसे ही मार्केट में अच्छे से अच्छा मतलब जैसे ही मार्केट में बुल मार्केट आएगा तो आपको अच्छा रिटर्न वो प्रोड्यूस करेगा। तो हमेशा देखना है दोस्तों कि जो मार्केट कैप है और जो प्रॉफिट है उसका जो रेशियो है 10 से कम होना चाहिए, मार्केट कैप टू नेट प्रॉफिट रेशियो। और ये फ्यूचर में प्रेडिक्शन होना चाहिए, आज का नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में प्रेडिक्शन होना चाहिए। फ्यूचर के लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा कंपनी के बारे में थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। बट आप अगर पीछे देख रहे हो कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, हर साल वो मान लीजिए 1000 करोड़ का है, हर साल वो 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ कमा रहा है और उसका रेशियो विद इन टेन में है या विद इन 5 में, तो आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिलता है दोस्तों। आपको 10 के अंदर देखना है मार्केट कैप टू उसका जो नेट प्रॉफिट आता है दोनों का रेशियो। अगर दोनों का रेशियो विद इन 10 में है और तो वो अच्छा सौदा आपके लिए हो सकता है कंपनी, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो ये बेसिक चीज था दोस्तों, हाउ टू वैल्यू कंपनी। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में मेंशन कीजिएगा, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मेरा फ्यूचर में मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और हम लोग और भी नया नया चीज़ें और नया नया अच्छा चीज़ें शेयर मार्केट के बारे में डिस्कशन कर सकें। धन्यवाद।